सैटेलाइट बेस्ड डेटा नेटवर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या इसमें होता है। उसके बाद फिर आगे चल करके हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क्स के बारे में, उसका टोपोलॉजी वगैरह जानेंगे। तो सैटेलाइट बेस्ड क्या होता है? सैटेलाइट इज़ इनहेरेंटली ए ब्रॉडकास्ट मीडियम, एक ब्रॉडकास्ट का मीडियम है सैटेलाइट। द जियोग्राफिकल रीजन रीचेबल बाई सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट इज कॉल्ड फुटप्रिंट ऑफ द सैटेलाइट। फुटप्रिंट ऑफ द सैटेलाइट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ जो एरिया सिग्नल्स ले सकते हैं सैटेलाइट से, जिन एरिया पे सैटेलाइट का सिग्नल पहुँच सकता है, ऐसे एरिया को बोलते हैं फुटप्रिंट ऑफ द सैटेलाइट। ऑल द स्टेशन विद इन द फुटप्रिंट ऑफ सैटेलाइट कैन पिक द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाई द सैटेलाइट टूवर्ड्स द ग्राउंड। वो ग्राउंड जमीन पे ना छोटे छोटे वो बने होते हैं स्टेशंस। वो स्टेशंस क्या करते हैं कि सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द कास्ट ऑफ द ट्रांसमिशन वाया सैटेलाइट इज सेम वेदर वन स्टेशन टू ऑल द स्टेशंस पिक द सिग्नल्स। और इसका जो कॉस्ट होता है वो सेम ही होता है। हैंस सैटेलाइट्स आर आइडियली सूटेड फॉर द वन वे ब्रॉडकास्ट अप्लीकेशन लाइक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये वन वे होता है। अगर सैटेलाइट से आपके पास सिग्नल आ रहा है तो आप सैटेलाइट को नहीं भेज सकते कुछ भी, वन वे होता है, एक ही रास्ते से सिर्फ सैटेलाइट ही आपको भेज सकते हैं। डेटा नेटवर्क एप्लीकेशन आर इनहेरेंटली टू वे, लेकिन जो डेटा नेटवर्क एप्लीकेशन होती हैं वो टू वे होती हैं, मतलब यूज़र के पास डेटा पहुँच रहा है और फिर यूज़र रिप्लाई कर रहा है। इंटरेक्टिव होना चाहिए और फिर इंडिविजुअल ओरिएंटेड होना चाहिए। मैनी एप्लीकेशंस इन डेटा नेटवर्क्स कॉल फॉर प्राइवेसी एंड सीक्रेसी एज एस्पेक्ट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट इन द सैटेलाइट नेटवर्क। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होगा, बहुत महंगा होगा। कंसिक्वेंटली यूजिंग सैटेलाइट फॉर डेटा नेटवर्किंग कॉल्स फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। सैटेलाइट डेटा नेटवर्क डिफर रेडिकली फ्रॉम टेरेस्ट्रियल डेटा नेटवर्क इन मेनी वेज। टेरेस्ट्रियल क्या बोलते हैं, जो ज़मीन पे नेटवर्क्स होते हैं ना, जैसे केबल नेटवर्क्स हो गए या जो यहाँ पे ज़मीन पे वो टावर्स लगाते हैं, ये सब चीज़ों की बात की जा रही है। और सैटेलाइट का क्या है, सबसे पहले ये स्टार टोपोलॉजी है और ये है मेस्टोपोलॉजी। सैटेलाइट को स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल को मेस्टोपोलॉजी। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है और मेस्टो टोपोलॉजी क्या है, इसको आप सर्च करेंगे मेस्टोपोलॉजी। सैटेलाइट इज क्रिटिकल कंपोनेंट, इट्स फेल्योर रिजल्ट्स इन टोटल फेल्योर ऑफ द नेटवर्क। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा फेल्योर भी होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल वालों में ये नोड फेल्योर डू नॉट अफेक्ट द इंटायर फेल्योर, द नेटवर्क इज़ फॉल्ट टॉलरेंट। अगर इसमें कोई दिक्कत भी होती है तो छोटे छोटे जगहों पे दिक्कत होगी तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं करेगा, बट सैटेलाइट में पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश कर सकता है। इसमें सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इन नेचर होता है, मतलब वन वे, और टेरेस्ट्रियल पॉइंट टू पॉइंट नेचर, मतलब इसमें टू वे हो सकता है। लार्ज डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। लार्ज टाइम डिलेज आर इन्वॉल्व, टिपिकली 270 ms फॉर एवरी कम्युनिकेशन। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा समय भी लगता है क्योंकि ये बहुत दूरी से किया जाता है डिस्टेंस। और जो टेरेस्ट्रियल वाले में होते हैं इसमें छोटे जगहों के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें डिले बहुत कम होता है, 40 ms/s के का ही डिले होता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ओनली इसमें होता है, और इसमें टेरेस्ट्रियल वे में माइक्रोवेव केबल ऑप्टिकल हर चीज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने केबल केबल भी लगा रखा है, ऑप्टिकल केबल भी बिछा रखा है, और टावर कुछ भी लगा सकते हैं। और सैटेलाइट वाले में सस्पेक्टेबल टू वेदर कंडीशन एट हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इसमें जब वेदर ख़राब होता है तो ये काम से गया, लेकिन केबल में वेदर ख़राब हो या कुछ भी हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सैटेलाइट टाइम स्पैम इज़ टिपिकली 7 to 10 years, और इसमें जो केबल वाला होता है, ये टेरेस्ट्रियल जो होता है उसका 30 साल तक होता है। तो ये कुछ अंतर रह गए इसमें, ये थोड़े से कुछ अंतर हैं, तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।